बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी रमज़ान के हवाले से तीन फ्रोज़न रेसिपीज़, जो कि तीनों आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगी। बना के आप फ्रीज़ कर लें और जब दिल चाहे निकालें और फ्राई करें। अफ्तारी में हमारे पास टाइम बहुत कम होता है, इसलिए हम पहले से रेडी कर लें तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो चलें स्टार्ट करते हैं आज की तीनों रेसिपीज़। सब्सक्राइब टू माई चैनल फूड एंड टेस्ट एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर ऑल द न्यू अपडेट्स एंड थैंक्स टू देम हु हैव ऑलरेडी सब्सक्राइब्ड। आलू है हमारे पास एक किलो क्यूब्स में कटे हुए, एक किलो चिकन है और इसको भी धो के साफ करके रख लिया है। पानी इसमें जाएगा एक गिलास, चिली फ्लेक्स दो टेबलस्पून, काली मिर्च का पाउडर एक टेबलस्पून और नमक भी एक टेबलस्पून, 10 से 12 जवे लहसुन के और एक दरमियाने साइज़ की प्याज स्लाइसिस में कटी हुई और 2 टेबलस्पून सोया सॉस यूज़ करेंगे हम, हरा धनिया और हरी मिर्चें। चलें स्टार्ट करें। सबसे पहले पतीली में ऐड कर देंगे चिकन। अब इसमें ऐड करेंगे पानी, एक प्याज जो स्लाइसिस में काटा हुआ था वो ऐड कर दिया और लहसुन 10 से 12 जवे, स्पाइसेस। अब इसमें जाएंगे आलू। सब चीज़ें हमने इसमें एक इकट्ठी ऐड कर दी हैं और इसको मिक्स कर देंगे और इसको पकाएंगे उबाल आने तक। पानी में उबाल आने लग गया है, इसको एक बार फिर से हम अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद फ्लेम को मीडियम कर देंगे और कवर कर देंगे। इतनी देर पकाएंगे कि पानी ड्राई हो जाए और चिकन और आलू अच्छी तरह से गल जाएं। तकरीबन 10 से 15 मिनट के बाद फिर से चेक करेंगे। तकरीबन 15 मिनट के बाद चेक किया है, आलू और चिकन दोनों चीज़ें अच्छी तरह से गल चुकी हैं, लेकिन पानी अभी थोड़ा सा है तो फ्लेम को तेज़ कर देंगे और हमने पानी को सुखा लेना है। इसमें ऐड कर दिया है सोया सॉस, दोबारा से मिक्स कर लेंगे इसको। साथ साथ पानी ड्राई हो रहा है और हमने अब इसमें से चिकन को निकाल लेना है ताकि इसको हम बोनलेस कर लें, यानी इसके रेशे बना लें। इस तरह से चिकन हम निकाल लेंगे सारा। चिकन निकालने के बाद आलूओं को हम मैश कर लेंगे। आलू बहुत अच्छे सॉफ्ट हो चुके हैं, आसानी से मैश हो जाएंगे और इनको हम ठंडा कर लेंगे मैश करने के बाद। आलू मैश करने के बाद हमने एक बाउल में निकाल लिए हैं। अब इसमें ऐड कर दिया है चिकन जिसके हमने रेशे बनाए थे। अब इसमें ऐड करेंगे हरा धनिया और हरी मिर्चें और बहुत अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। कटलेट्स का मटेरियल हमारा रेडी हो गया है, इसे हम तीन हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे और इसके साथ हम रेडी करेंगे तीन रेसिपीज़। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट रेसिपी। हमारी फर्स्ट रेसिपी है ब्रेड कटलेट्स। इसके लिए हम ब्रेड के स्लाइसेस लेंगे 8 से 10 अदद और हाफ प्याली है हमारे पास ब्रेड क्रम्स, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं, और 3 अंडे फेंट लिए हैं। इसमें थोड़ी सी काली मिर्चें और नमक शामिल कर लिया था और ये कटलेट्स का मटेरियल है जो हमने बनाया था, उसी के साथ हम ये रेसिपी बनाएंगे। सबसे पहले हमने ब्रेड को सर्कल में काट लेना है। इस कटर के साथ मैं इस तरह से काट लूँगी, आप चाहें तो कोई भी शेप दे सकते हैं। और ये मैंने इस तरह से गोल बनाने हैं आज कटलेट्स, और ये जो किनारे बचेंगे इनको हम वेस्ट नहीं करेंगे। इसके साथ हम ब्रेड क्रम्स बना लेंगे। ये देखें, इस तरह से सारी ब्रेड मैं रेडी कर लूँगी। ये सारे स्लाइसेस मैंने इस तरह से काट लिए हैं ब्रेड के। अब इसके ऊपर लगाएंगे कटलेट्स का मटेरियल। अच्छी तरह से इसको हमने स्प्रेड करना है पूरे पीस पे। चम्मच से लगाने के बाद हाथ की मदद से सेट करेंगे, तब अच्छी तरह से ये सारा एक जैसा लग जाएगा पूरे पीस पे। बहुत इजी रेसिपी है और इसको आप बना के फ्रीज़ कर दें, अफ्तारी के टाइम पे निकालें और जब ज़रूरत पड़े
फ्राई करें। बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी है। इस तरह से मैं सारे स्लाइसेस जो हैं वो रेडी कर लूँगी। अब इस तरह से एक स्लाइस को उठाएंगे हम, इस तरह से जो हमने रेडी करके रखा था, इसको डिप करेंगे अंडे में। दोनों साइड से अच्छी तरह अंडा लगा देना है। और अब हम इस पे लगाएंगे ब्रेड क्रम्स। अच्छी तरह से ब्रेड क्रम कोट करने हैं ताकि जब हम फ्राई करें तो ब्रेड हमारी टूटे ना और ना ही मटेरियल उतरे इसके ऊपर से। अच्छी तरह से इसको हमने कोट कर लेना है ब्रेड क्रम्स में। ये देखें, इस तरह से हमने सारे स्लाइसेस को रेडी कर लेना है। इस तरह से रेडी करके आप फ्रीज़ कर लें और अफ्तारी के टाइम पे निकाल के तो आप फ्राई कर लें। टाइम की भी बचत होगी और ज़बरदस्त सी आपकी अफ्तारी भी रेडी हो जाएगी। ब्रेड कटलेट्स मैंने रेडी कर लिए हैं। अब आपको मैं फ्राई करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमने इनको फ्राई करना है। पैन में डाल दिया है हमने ऑयल, ऑयल गर्म हो जाए तो उसके बाद फ्राई करते हैं कटलेट्स। बड़े आराम से हमने एक एक करके कटलेट्स को ऑयल में रख देना है और पकने देंगे एक साइड से। जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तब हमने इसकी साइड चेंज करनी है। एक साइड से कटलेट्स फ्राई हो गए हैं, अब हम इसकी साइड चेंज करेंगे। ये देखें इस तरह से कितना अच्छा गोल्डन कलर आ गया है और ब्रेड कटलेट्स हमारे बिल्कुल भी टूटे नहीं हैं, बहुत अच्छे से फ्राई हो रहे हैं। इसी तरह से दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ब्रेड कटलेट्स हमारे फ्राई हो चुके हैं, अब हम इनको निकाल लेंगे प्लेट में। फर्स्ट रेसिपी हमारी रेडी हो चुकी है। ब्रेड कटलेट्स कितने ज़बरदस्त, ये देखें रेडी हुए हैं। अफ्तारी में बनाएं और इन्जॉय करें इस रेसिपी को। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी सेकंड रेसिपी। अब हम अपनी दूसरी रेसिपी स्टार्ट करेंगे, कटलेट्स पराठा। इसके लिए हम यूज़ करेंगे फ्रोज़न पराठे। अगर आप चाहें तो घर वाले पराठे बना के भी आप इस तरह से फिलिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं यूज़ करूँगी फ्रोज़न पराठा जो आप किसी भी ब्रांड का ले सकते हैं। इस तरह से पराठे के ऊपर हमने रखनी है फिलिंग, अच्छी तरह से फैला देंगे। ये वही मटेरियल है जो हमने रेडी किया था चिकन और आलूओं के साथ। ये देखें अच्छी तरह से मैंने इस पर फैला दिया है। अब ऊपर से एक और पराठा रखेंगे। किनारे अच्छी तरह से हमने इसके प्रेस करने हैं और दोनों पराठों को जोड़ देना है अच्छी तरह से, ताकि जब हम फ्राई करें तो फिलिंग बाहर ना आए। फ्रोज़न पराठा है जो थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा तो बहुत आसानी से इसको हम इसको इस तरह से प्रेस कर सकते हैं। अब एक फोक की मदद से हमने किनारों पे प्रेस करना है। इस तरह से डिज़ाइन भी ऊपर बन जाएगा और बहुत अच्छी तरह से पराठा बंद हो जाएगा किनारों से। ये देखें पूरा पराठा हमने रेडी कर लिया है। इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेंगे और इस तरह से बना के हम फ्रीज़ कर देंगे और जब हमें ज़रूरत होगी अफ्तारी के टाइम पे और सहरी के टाइम पे निकाल के तो हम इसको फ्राई कर लेंगे। अब रेडी करते हैं हम दूसरा पराठा। तवे को हमने प्री हीट कर लिया है और एक टेबलस्पून ऑयल के साथ इसको ग्रीस कर लेंगे। फ्रोज़न पराठे जो हैं उनमें पहले से काफ़ी घी होता है, इसलिए हम ज़्यादा घी यूज़ नहीं करेंगे। बड़े आराम से हमने पराठा रख देना है तवे के ऊपर और एक साइड से पकने देंगे।
अब इसकी साइड चेंज करेंगे, देखें कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है इस पर। ये फ्रोज़न पराठे जो हैं बहुत अच्छे फ्राई होते हैं और इनका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा लगता है। रमज़ान के लिए ये तो बेस्ट रेसिपी है, क्योंकि ये बना के हम फ्रीज़ कर लें तो जब ज़रूरत हो निकाल के फ्राई कर सकते हैं, और सहरी और इफ्तारी दोनों में ही बहुत मज़े के लगेंगे। एक पराठा हमारा रेडी हो गया है, इसी तरह से हम दूसरा पराठा भी रेडी कर लेंगे। ये पराठा कटलेट्स भी हमारे रेडी हो गए हैं और ये बहुत ही टेस्टी बनते हैं। इजी रेसिपी है और बहुत आसानी से रेडी हो जाते हैं। इस तरह से हम कटिंग करके सर्व करेंगे। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त रेडी हुए हैं हमारे कटलेट्स पराठे, और इस रेसिपी को आप सहरी इफ्तारी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम अपनी स्टार्ट करेंगे थर्ड रेसिपी। थर्ड रेसिपी है हमारी चिकन कटलेट्स, उसके लिए भी हम यही वाला मटेरियल यूज़ करेंगे जो हमने एक बार बना लिया है। तीनों रेसिपीज उससे बनेंगी और ये ब्रेड क्रम्स मैंने घर में ही बनाए हैं। जो ब्रेड हमने काट के रखी थी उसमें से ही हमने ये ब्रेड क्रम्स बनाए हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे मैदा और अंडा फेंट के रखा हुआ है। इस तरह से हमने हाथ के ऊपर ऑयल लगा के तो ये कटलेट्स रेडी कर लिया है। किसी शेप में भी आप बना सकते हैं, मैंने थोड़ा सा ये ओवल शेप में बनाए हैं। इस तरह से सारे कटलेट्स हमने रेडी कर लेने हैं। ये कटलेट्स को अब हमने कोट कर लेना है मैदे में, उसके बाद इस पर हम लगाएंगे अंडा। अच्छी तरह से अंडे में डिप करेंगे दोनों साइड से। कोट करने के बाद अब हमने इसको रख देना है ब्रेड क्रम्स के ऊपर और अच्छी तरह से ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं दोनों साइड पे। सारे कटलेट्स इस तरह से हम रेडी कर लेंगे। ये देखें कटलेट्स हमारे रेडी हैं। इस तरह से बना के हम इनको फ्रीज़ कर सकते हैं, और जब ये थोड़े से फ्रीज़ हो जाएं तो किसी भी कंटेनर में सेव कर लें। ऑयल को प्रीहीट कर लिया है, अब इसमें रख देंगे हम ये कटलेट्स और एक साइड से अच्छी तरह से पकने देंगे। फिर हमने इसकी साइड चेंज करनी है। एक साइड से फ्राई हो गए हैं, बहुत अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड से पका लेंगे। कटलेट्स हमारे रेडी हो गए हैं, दोनों साइड से बहुत अच्छे से फ्राई हो गए हैं। अब हम इनको निकाल लेंगे और करेंगे डिश आउट। ये कटलेट्स भी हमारे रेडी हो चुके हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। इस रेसिपी को भी आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा अफ्तारी में। उम्मीद है आज की तीनों रेसिपीज़ आपको पसंद आई होंगी और रमज़ान में ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आप लोगों को मेरी ये रेसिपीज़ अच्छी लगी हैं तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, दुआ में याद रखें और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, और मेरी तरफ़ से आपको एडवांस में रमज़ान मुबारक। अल्लाह हाफिज़।